जौनपुर शहर में एक डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक ने न्यूज़पेपर संपादक पर पैसे ऐंठने का आरोप लगाया है। जौनपुर शहर के धनौपुर स्थित एक निजी डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक ने जिले के एक सम्मानित अखबार के संपादक पर सीएमओ ऑफिस का कर्मचारी बताकर पैसे ऐंठने का बेबुनियादी आरोप लगाया है। जिले से प्रकाशित एक अखबार के संपादक ने बताया कि जनहित की बातों को लेकर अक्सर पत्रकार जिले भर में चल रहे अवैध पैथोलॉजी डायग्नोस्टिक सेंटर निजी अस्पताल में शिकायत के आधार पर तथ्यों की जांच के लिए जाने को बाध्य है। उन पर कोई भी रोक टोक नहीं है। इसी आधार पर वह भी इसी मई महीने में 4 तारीख को एक महिला की शिकायत पर अपने एक मित्र के साथ उक्त डायग्नोस्टिक सेंटर पर शिकायत के आधार पर पूछताछ के लिए उक्त संचालक के पास गए थे, लेकिन वह सवालों का सही से जवाब न देकर उक्त संपादक के ऊपर भड़क गया, जिस कारण वह तुरंत वहां से उल्टे पैर वापस हो गए और उक्त सेंटर की जांच के लिए डीएम से लेकर सीएमओ ऑफिस तक पत्र व ईमेल के माध्यम से जांच कराने के लिए लिखा। यही नहीं, उन्होंने अपने अखबार व अपनी वेबसाइट पर भी उक्त सेंटर के खिलाफ खबरों को प्रसारित किया। यही नहीं, मुख्यमंत्री शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई, जिसकी अभी जांच चल रही है, लेकिन कोई संतुष्ट जवाब अभी तक नहीं मिला है। वहीं पहले से संपादक से खुन्नस खाए बैठे कुछ लोगों से संपर्क होने के बाद उक्त संचालक ने बेबुनियाद आरोप उल्टा संपादक के ऊपर ही लगा दिया और पैसे की लेन देन की बात कहकर कथित रूप से एक प्रार्थना पत्र पुलिस विभाग को देने की बात कही है। वहीं डायग्नोस्टिक सेंटर के संचालक का कहना है कि कोविड काल में आधा दर्जन लोग कार से उक्त सेंटर पर पहुंचे और कोविड काल में सेंट्रल खुला होने के कारण उनको ब्लैकमेल करते हुए उनसे कुछ पैसे मांगे। फोन पर भी उससे पैसों की मांग होती रही, जिसको लेकर जाकर उसने जिला अस्पताल में उन लोगों को दे दिया। ऐसे में सवाल यह उठता है कि अगर उसने पैसे उन लोगों को ले जाकर दे दिया था तो क्यों दिया था? इस बात की शिकायत उसने उसी वक्त क्यों नहीं की? कोविड काल बीते आज 2 साल के बाद जब उक्त संपादक ने इससे सेंटर की जांच शिकायत कर रखी है, तो यह पैसे के लेन देन का बेबुनियादी आरोप संपादक के ऊपर लगा रहा है, जो कि बेबुनियादी और तथ्यहीन है। जो जांच आपने करवाई है उसकी, जो उसकी शिकायत की, उसी से बौखला करके आज वो एसपी के यहाँ पहुंचा है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है कि मैंने उसकी जो जाँच कराई थी 4 तारीख को, उसके बाद मैं शांति से बैठ गया था। उन्होंने सिफारिश भी करवाई कि मैं मिलना चाह रहा हूँ, चौकी प्रभारी से फोन भी कराया था और दुनिया भर के एसपी साहब को भी उन्होंने एप्लीकेशन दिया। जो भी क्यों उन्होंने किया, मुझसे उससे कोई एतराज नहीं है। वो जो कर रहे हैं करें, मेरे ऊपर आरोप सिद्ध करके दिखाएं कि मैंने उनसे क्या लिया है, क्या दिया है। अगर मैं सिद्ध करूँ, आरोप सिद्ध होता तो मेरे ऊपर आराम से मैं अपने माननीय जिलाधिकारी महोदय और एसपी महोदय का शुक्रगुजार रहूँगा कि मेरे ऊपर FIR लॉन्च करें। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि अगर पत्रकार ही अगर आईना है, अगर वो सच नहीं दिखाएगा, अगर उसको धमकाने और उस तरह का उसके ऊपर आरोप लगाया जाएगा, तो जनपद में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे होगा। पत्रकार डर जाएगा कि अगर यार उनके यहाँ जाएंगे तो हमारे ऊपर आरोप लग जाएगा। तो इसलिए पत्रकार को किसी तरह से न छेड़ा जाए। अगर कोई शिकायत मिलती है तो तत्काल हो जाकर उससे पूछताछ कर सकता है, और वही मैंने किया है। जो मेरा पत्रकार का एक कर्तव्य और दायित्व होता है वो मैंने किया है। आज मेरे ऊपर आरोप लग रहा है, मुझे उसका गम नहीं है, आरोप लगा क्योंकि मेरे पास एविडेंस है। मैंने 4 तारीख को सबको दिए हैं, जो मैंने पूर्व में बताया, मैंने जिलाधिकारी महोदय को दिया, मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला है, मैंने सब कुछ किया है। उसके बाद मेरे ऊपर अगर आरोप लगा रहा है तो वो सिद्ध करे, मेरे ऊपर FIR करे, मैं तैयार हूँ। एक वहां से निकलते हुए का भी वीडियो वायरल हो रहा है, उसके पर क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं अगर निकल रहा हूँ तो आने का भी दोनों वीडियो होना चाहिए। वो दोनों वीडियो देखें, अगर 1 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर का ही मैटर है ये। मैं गया हूँ, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने इस तरह का कुछ जवाब दिया। मैंने पूछा कहीं डॉक्टर साहब कहाँ है, उन्होंने कहा नहीं है। मैंने कहा अल्ट्रासाउंड सर एक शिकायत है आपकी, कहा कि आप होते कौन है पूछने वाले। बस मैं समझ गया माहौल गर्म है, मैं वहाँ से निकल आया, माहौल को गर्म को देखते हुए चला आया। अगर इस तरह से पत्रकार के साथ गलत होता रहा तो पत्रकार कहाँ तक किसी की समस्या का समाधान करेगा? जनता तो मर जाएगी। अगर पत्रकार को इस तरह रोका गया, पत्रकार के ऊपर आरोप लगाया गया, तो हर पत्रकार डरेगा, मैं ही नहीं।